ये क्या मैसेज आया व्हाट्सएप पे? पांक। क्या मानसी का न्यू PS5? अभी कॉल लगाती हूँ इसको। हेलो मानसी, लगता तूने मेरा फोटो देख ही लिया। हाँ देख तो लिया ही है, कैसे मिला? याद है हम लोग उस दिन गेम सेंटर में PS4 खेल रहे थे? हाँ यार कितना मजा आया था। हाँ बहुत मजा आया था, वही मैंने अपनी मम्मी को मनाया और वो मान गई। मैं भी अपना PS5 लेके आ रही हूँ। वाह यार मुझे भी चाहिए एक PS5। हाँ तू भी खरीद ले, अपनी मम्मी को मना, फिर हम दोनों साथ में ऑनलाइन टूर्नामेंट खेलेंगे। हाँ हाँ मैं अपनी मम्मा को मनाती तो अब हम लोग हर दिन खेलेंगे। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके बाय। कितने प्राइस का है ये PS5? नया है तो देखो। क्या इतना महंगा है ये? तो मैंने पिछले महीने ही मेरे मम्मा से नया हेडफोन्स मंगवाया था, वो भी JBL का। अभी इस बार की डिमांड डबल महंगी भी है, मतलब डबल मस्का लगाना पड़ेगा। चलो अभी से ही चालू हो जाती हूँ, मम्मा से पूछते हो अभी। संगीता क्यों सुबह सुबह फोन कर रही है? हेलो संगीता, क्या छुट्टी कर ली आज भी? संगीता ये तेरा रोज का नाटक है, बिना बताए कभी भी छुट्टी कर लेती है। अरे बाप, चलो फोन रखो। एक तो संगीता ने भी छुट्टी कर ली, ऊपर से दूध वाला भी नहीं आया, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, मम्मा तो इतने गुस्से में, अगर उनसे भी कुछ भी मांगूंगी उल्टा मुझे ही डांट पड़ जाएगी। अनु। हाँ मम्मी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मैं पानी पीने जा रही थी किचन में। मुझे PS5 चाहिए, इतना मजा आएगा खेलने में। लेकिन एक तो PS5 इतना महंगा है, मम्मा को बताऊंगी तो गुस्सा तो करेंगी, और उल्टा जो पहले से इतने गुस्से में तो मतलब डबल गुस्सा करेंगी। एक तो संगीता दीदी नहीं आई, ना ही दूध वाला, तो मम्मा का गुस्सा इतना बढ़ गया है, क्या करूं भाई। मम्मा का जब मूड ठीक रहेगा तभी पूछा सही है। अरे आज ही तो अच्छा मौका है, अगर मैं संगीता दीदी की जगह ले लूँ, मम्मा की मदद करूँ, सब घर का काम निपटा दूँ, तो मैं मम्मा के आँखों के सामने एकदम अच्छी बच्ची बन जाऊँगी। और मैं तभी अपना आइडिया डाल दूँगी कि मम्मा मुझे PS5 दे दो, और तो मम्मा दे भी देंगी मुझसे इम्प्रेस होकर। क्या आइडिया है अनु, तू समझदार कैसे है। चलो अभी अपने आइडिया को इंटरप्रेट करते हैं। अरे क्या हुआ अनु, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मा मैंने सोचा संगीता दीदी नहीं आ रही तो मैं ही झाड़ू मार लेती हूँ। अच्छा सच सच बताओ क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अलग बात है, अगर आपको चेंज में देना चाहो, लेकिन वो सब छोड़ो। और संगीता दीदी आई तो मैं ही साफ सफाई कर लेती हूँ, वैसे भी अगर घर साफ रहेगा तो मतलब अच्छा मुझे ही लगेगा ना। सही बात है। तो मम्मी की मदद करना चाहती हूँ तो एक काम करो। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? सबसे पहले पूरा घर का डस्टिंग कर लो, उसके बाद झाड़ू लगा लो, फिर पोछा मार लो। ठीक है मैं सामान लेकर आती हूँ। तो चलो लग जाओ। पैसे को मिल गया। क्या क्या करना पड़ेगा इस PS5 के लिए? बड़ा महंगी काम है, फिर लग जाते हैं। या बचाओ कोई मुझे। मम्मा दिख रही है। PS5 अगर तू मेरे पास अब नहीं आया तब तो देख लेना। अभी टाइम हो रहा है
हाँ अब टाइम है मम्मा को चाय देने का। वैसे भी मम्मा का सर दर्द हो रहा था ना, तो और अच्छा मस्का लग जाएगा, मम्मा का मूड भी अच्छा जाएगा। चाय पीने से कितने अच्छे लोग हो जाते हैं, मूड बन जाता है। चलो बनाती हूँ, मम्मा को थोड़ा कम शक्कर डालती हूँ, नहीं तो मम्मा को डायबिटीज़ भी हो सकता है ना। हाँ हाँ अब बारी है अदरक की, बारी है चाय पत्ती। ये बाई भी ना कितना छुट्टी करती है, आज तो पूरा दिन मेरी हालत ही खराब हो गई, इतना सारा काम। मम्मी मेरी प्यारी मम्मी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह बेटा, कब से मेरा चाय पीने का मन भी कर रहा था। हाँ मुझे पता है, मैंने देखा कि आपका थोड़ा सर दर्द हो रहा था और उल्टा संगीता दीदी ने, तो सोची आपको चाय दूंगी ना, तो मेरी प्यारी मम्मा का सर दर्द ठीक होगा और अच्छा लगेगा। अरे मेरा कब से मन भी कर रहा था चाय पीने का। अच्छा तो है बट थोड़ा सा शक्कर कम है। क्या शक्कर कम है? दो, मैं जल्दी से जाके नया चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं शक्कर ही तो थोड़ी कम है ना, शक्कर का डब्बा लेके आ जाओ, थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे इसमें। क्या जरूरत है, इसे फेंक देते हैं ना, इतना चाय को क्या कीमत है, मजा नहीं आएगा जब तक ना उसको अच्छे से नहीं बनाते, तब तक मजा नहीं आता। नहीं नहीं इसको मुझे खराब नहीं करना, मैं पी जाऊंगी। ओके आपकी मर्जी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तब तक आपका सब कपड़ा लेके जाती हूँ रख देती हूँ, ओके, क्योंकि मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ। अरे वाह, मैं आपकी हमेशा मदद करती हूँ। चलो ले जाओ, मैंने सब घड़ी कर दिया है, तुम सब रख के आ जाओ। ओके ठीक, कपड़ा कहाँ रखना है, कबर्ड में ही डायरेक्ट रख देती हूँ। अरे ये कौन सा कपड़ा है? अरे ये तो इतना पुराना कपड़ा है, इसका रंग भी जल्द उतरने वाला है, पुराना हो चुका है, प्रिंट भी निकलने लगा, इसको हमने रखा क्यों है, फेंक देना चाहिए ना उन्हें। चलो खोल दे, मैं खोलती हूँ। मम्मा मम्मा मैं खोलती हूँ। अरे मम्मा आप तो पहले ही खोल दिए, कौन था? अरे बेटा कचरे वाले अंकल थे। अच्छा कछुआ था, एक सेकंड रुको मैं आई। अरे क्या हुआ? मम्मी मम्मी ये देखो, ये कपड़ा मुझे फेंकना था, वो चले गए क्या? अरे क्यों फेंकना, अभी दो महीने पहले ही तो दिया ना मैंने तुमको ये। अरे देखो ना इसका रंग उतरने वाला है, यहाँ तक उसका प्रिंट भी पुराना हो गया ना, अभी फेंक ही देते हैं। अरे इतना छोटा सा कलर निकल गया तो इसको फेंकना क्यों? अरे इतने सारे जैकेट इसको क्यों रखना है? अच्छा नहीं पहनना तो रख दो बाबा, फेंकना नहीं है। ठीक है ठीक है रख देती हूँ, लेकिन मैं इसको वापस नहीं पहनने वाली, अब देख लेना। हाँ ठीक है। अरे वो सब छोड़ो मम्मा, आज मैंने कितना सारा काम किया दिन भर, आपके लिए चाय भी बनाया, आप बताओ आपकी बेटी ने कितना अच्छा काम किया ना। हाँ आज तो मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की, कितना सारा काम की, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि तुमको ले चलूँ कहीं बाहर घुमा के लाऊं और कुछ खिला के लाऊं। ओके मैं जल्दी से कपड़ा बदल के आती हूँ। ओके चलो हम भी बदल लेते हैं। ये लो बेटा मैं तुम्हारे लिए बर्गर और चिप्स लेके आई। अरे थैंक यू मम्मा, इसकी क्या जरूरत थी, दाद ये तो खाती हूँ, पहले तो मैं अपना फेवरेट बर्गर को खाऊंगी, यम चीजी बर्गर। बहुत यम है मम्मा। यम है ना। अभी चलो चिप्स खाते हैं। अरे आपने तो मेरा फेवरेट चिप्स लाया, ब्लू चिप्स। मुझे मालूम था ना मेरी बेटी का फेवरेट क्या है। अरे कहाँ जा रही अनु? अरे अनु अनु, अरे रुको रुको इधर आओ, मैं का फेंक रही हूँ, रुको लेके आओ इधर आओ। फेंकने क्यों जा रही हो? अरे मम्मा इसको मैंने खा लिया, मेरा पेट भी भर गया, मैं फेंकने जा रही हूँ तभी तो। अच्छा लाओ हमें दो, इधर दो हम खा लेंगे इसको बाद में। वैसे मम्मा क्या हुआ? वो सब छोड़ो, अब आपको पता है आपकी इस प्यारी बेटी ने आपके लिए कितनी मदद की, और संगीता दीदी ने तो मैं खुद जाके झाड़ू पोछा सब की, आज के मेरे इस गुड बिहेवियर के लिए मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए, इनाम जैसे PS5। क्या PS5? तभी तो मैं सोचूं आज अनु इतना स्वीट क्यों बनी है, इतनी सारी मदद करके रख दे रही है मेरी। नहीं नहीं मम्मा मुझे अभी याद आया, अभी PS5 तो तुम्हें मिल जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैं सब काम कर लूंगी, बताओ क्या करना है। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है चलते हैं। कहाँ चलना है? चलो मैं दिखाती हूँ तुमको, चलो। कहाँ जा रहे हो तो बताओ। अरे चलो तो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो तो बताओ। अरे आओ तो बेटा। वो देख रही हो दीदी को? हाँ वो लड़की जो अनहाइजीनिक एकदम जमीन पे बैठी है। ये खाना जाओ उनको देके आ जाओ। अरे नहीं। अरे बेटा
बेटा आप उनको छूना मत, ऐसे दूर दे के आ जाओ, दूर दूर ही रख देना आप, ठीक है? ठीक है। PS5 चाहिए ना? दीदी ये कुछ खाने थे बहुत कम, मतलब छोटा आधा छोटा बर्गर और चिप्स जो जल्दी सूख भी जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ले लो, मतलब नहीं भी चाहिए तो रख देती हूँ मैं यहाँ पे। धन्यवाद मेम साहब, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आज आपकी वजह से मैं भरे पेट सोऊंगी, धन्यवाद मेम साहब। अरे अनु अनु, अरे रुको रुको, इधर आओ। मैं कहाँ फेंक रही हूँ? रुको, लेके आओ, इधर आओ। मम्मा मम्मा आप हो गए, आप चले। अरे आ जाओ, इधर आओ। अब कहाँ जाना है? अरे देखो देखो, एक छोटा सा बच्चा बैठा है ना। हाँ? ये थैली जाओ, उसको देके आ जाओ। ये तो वो कपड़े जो है फेंकने वाली थी। थी, आपको नहीं पहनना था ना, इसके लिए मैं लेके आई। क्यों भेज रहे हो? PS5 चाहिए ना। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। ओए छोटू। हूँ? ये कपड़ा थोड़ा पुराना है, चाहिए तो ले ले, ये लो। अरे देखो ना, इसका रंग उतरने वाले हैं, यहाँ तक उसका प्रिंट भी पुराना हो गया ना, अभी फेंक ही देते हैं। धन्यवाद दीदी, आज मैं रात को अच्छे से सो पाऊंगा, वरना आज ठंडी में सोता था। अरे वाह अनु, तुमने तो आज मेरी सारी शर्त पूरी कर दी, तो अब मेरी बारी आती है कि मैं भी अपनी बेटी की इच्छा पूरी करूं। तो चले हम PS5 लेने। नहीं मम्मा नहीं, आज मैंने बहुत बड़ी सीख सीखी है कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे उन ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। और बातें PS5 की, मम्मा अब मुझे वो नहीं चाहिए, और मुझे ना उसको खेल के मुझे ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो बस चाहिए कि वो पैसे जाए किसी गरीब और ज़रूरतमंदों के काम आए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखा दोस्तों, अनु ने आज एक बहुत बड़ी सीख सीखी है, तो आप भी इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आप कभी भी कपड़ा हो या तो खाना कभी वेस्ट मत करना, उनको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना। हाँ, आपको जितना खाना खाना है उतना ही लीजिए, प्लीज़ कचरे के डब्बे में मत डालिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे इतने लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और मॉरल ला सके। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।